सो हेलो गाइस, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो और आगे भी बहुत अच्छे रहोगे। तो जो आज का वीडियो होने वाला है गाइस, आज मैं कोई भी गेम प्ले नहीं डाल रहा हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा सेटिंग भी शेयर करूंगा, जिससे फॉलो करने के बाद आपका जो हेडशॉट रेट है वो 100% गाइस, ट्रस्ट मी, आपका हेडशॉट रेट सीरियसली इंक्रीज हो सकता है। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बोलते हैं कि फायर बटन आप लोग कहीं भी सेट करके रखो, उससे मैटर नहीं होता, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे का कुछ रोल नहीं होता हेडशॉट के मामले में। लेकिन ये काफी गलत बात है जहां तक मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बस आप लोग फ्री फायर मजे के लिए खेलते हो और कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते, इसलिए आप लोग ये बात कभी कभी बोल देते हो या समझ लेते हो। तो मैंने काफी रिसर्च किया, क्योंकि मैं अपना ज्यादा टाइम इस गेम को देता हूँ, मैंने काफी बार देखा भी है और काफी फॉलो भी किया है इस चीज को। तो जब आप अपने फायर बटन को ऊपर रखते हो तो आपके हेडशॉट कम लगते हैं, और जब उसको आप कहीं नीचे रखते हो तो नीचे से आप जब ऊपर तक ड्रैग करते हो आपको ज्यादा सरफेस मिलता है और काफी अच्छे हेडशॉट जो है कनेक्ट होते हैं गाइस, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बस एक सीक्रेट सेटिंग है और एक सीक्रेट फायर बटन का साइज है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो कि किस साइज पे रखना चाहिए और किस पोजीशन पे हम रखें। तो पोजीशन प्लस साइज आप लोग को दोनों बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कर देना, और मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर शेयर करोगे तो वो प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कर देना ये सब चीज और वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। मैंने काफी मेहनत से बनाया इंट्रो, तो स्किप करना चाहो कर देना, नहीं करना अगर मन नहीं है तो देख लेना इंट्रो भी, और वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि एक ट्रिक है, कोई रामायण नहीं है जो बोलता ही चाहूँ। तो हम डायरेक्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं गाइस। तो मैंने आपको साइज़ बता दिया, आपको अपने फायर बटन का साइज 30 रखना है, और स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूँ एक पोजीशन कि किस पोजीशन पे आपको सेट करना है। तो ये पोजीशन जो आप अभी देख रहे हो, ठीक इसी पोजीशन पर आपको अपने फायर बटन को कर लेना है सेट। अगर इसी सेटिंग को आप फॉलो करते हो, उसके बाद बस एक ट्रेनिंग ग्राउंड खेलना, अपना हाथ सेट कर लेना एक बार, और एक गेम प्ले देख करके देखना, हेडशॉट रेट सीरियसली और 100% इंक्रीज होगा। नहीं होता, नहीं हेडशॉट लगते तो कमेंट सेक्शन पे आके मेरे को बताना आप, नहीं लग रहा मेरा हेडशॉट, तो वैसे 100% लगेगा, एक बार बस एक बार ट्राई करो। और हाँ, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे होंगे और जिनका कस्टम मोड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सेट हो चुका है, तो एक आप लोग एक काम कर सकते हो, जो आपका कस्टम मोड है उसको पहले से आप अपलोड करो, इस सेटिंग को एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। अगर ये नहीं वर्क करता तो अपना जो पुराना सेटिंग है, प्रीवियस सेटिंग है, उसको आप वापस से अपलोड कर लेना या डाउनलोड कर लेना आप, ओके गाइस। तो यही ट्रिक था, और कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा जैसे कि मैंने कहा है। आई लव यू सो मच गाइस, यार मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो जेन्युइन ट्रिक है, कोई फेक ट्रिक नहीं। तो सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। टिल देन आई लव यू सो मच, और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।